हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विश मैनिफेस्टेशंस के बारे में ही। देखिए, मैं जो अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रही थी, अब वो बहुत जल्दी मेरी लाइफ में आने वाली है। वो चीज़ें मैं महसूस कर रही हूँ, मेरे आसपास बहुत बदलाव हो रहे हैं मेरी विश को लेकर। मेरी विश को लेकर जो मैं चाहती थी हो वैसा, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल रही हैं। आसपास जो नेगेटिव लोग थे जिन्होंने मेरी विश को मेरे पास आने के लिए रोक रखा था, वो नेगेटिव लोग जो हैं अपने आप हट रहे हैं पीछे। ठीक है, वो अब जैसे उन्होंने एक जकड़बंद बना रखा था, एक फांसा सा फांस रखा था गले में, वो अब हट चुका है। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, बैलेंस में आ रही हैं और अब मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, बहुत मुझे अच्छा फील होता है। और अब मुझे पक्का पता है मेरी विश मेरे पास आने ही वाली, बस कुछ ही समय बाकी है। हुआ यूँ, जब मैंने अपनी विश को मैनिफेस्ट किया ना, उस समय हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो फॉलो करते हैं, जो ये नेगेटिविटी के जाल है ना, आपके पास बहुत नेगेटिविटी आती है। दरअसल वो नेगेटिविटी इसलिए आती है, वो नेगेटिविटी आपकी विश से जुड़ी हुई होती है और वो नेगेटिविटी आनी बहुत ज़रूरी होती है। वो नेगेटिविटी को ब्रेक करके जब आप फिर से उठते हो तो आप अपनी विश में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो। फिर से नेगेटिविटी आती है और आप फिर से उस नेगेटिविटी में डूबना कर तोड़ करके उस जाल को जब आगे बढ़ते हो, तो ये होते हैं यूनिवर्स के टेस्ट आपको पास करने होते हैं। और जब आप ये सारे टेस्ट पास कर लेते हो, फिर यूनिवर्स आपकी विश आपको दे देते हैं। ये मेरे ऊपर कम से कम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दौरान तकरीबन 15 से 20 दफ़ा नेगेटिविटी आई, बहुत डेंजर वाली, बहुत ख़तरनाक वाली। एक बार तो ऐसा लगता था कुछ नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब बकवास है, बट यस, ये रियली में काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और नेगेटिविटी आती है उससे बिल्कुल भी मत डरिए, नेगेटिविटी ऐसे आएगी कि आपको तोड़ करके रख देगी, आपका विश पर से, भगवान पर से, सबसे भरोसा आपका तोड़ेगी, आपको हिला करके रख देगी। पर जब परमात्मा साथ देता ना, तो कुछ भी पीछे लग जाए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो बस आपकी विश आपको मिलने ही वाली है, आपको मिलने ही वाली। धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़।